मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ मॉर्निंग हो चुकी है मेरी और मैं आ गई हूँ थोड़ा सा छत पे। अभी ठीक है, आ गई हूँ और टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं। रात पे टाइम से सो गई थी, मुझे नींद आ गया था, 10:30 बजे के लगभग नींद आ गई थी। तो सुबह में नींद खुल गई है मेरी। कोशिश करूँगी कि यही रूटीन बना के रखूँ और 5 बजे उठ सकूँ। और आपको मंदिर की आवाज़ सुनाई दे रही होगी बगल में, क्योंकि थोड़ा मेडिटेशन कर लूँ और थोड़ी घबराहट बेचैनी तो अभी भी है। इसी वजह से ना वेट लूज़ हो रहा है, ना खाने का मन कर रहा है। तो ये जो बेचैनी घबराहट है तो इसको थोड़ा सा ठीक करूँगी मेडिटेशन, हल्का योगा स्टार्ट करूँगी। अब हल्का हल्का धीरे धीरे करूँगी, फिर बढ़ाऊँगी, देखती हूँ आराम होगा मुझे उससे तो मैं कंटिन्यू करूँगी। क्योंकि शरीर को जो आराम दे अब वही चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, घबराहट और बेचैनी जो हो रही है मुझे। तो सुबह उठी हूँ तो इस उम्मीद में उठी हूँ कि मेडिटेशन करूँ, थोड़ा योगा करूँ। और अगर सुबह उठी हूँ तो दोपहर में थोड़ी नींद आएगी, सो लूँगी और फिर दिन ये रूटीन अगर मेरा बन जाएगा तो अच्छा रहेगा 5 बजे उठने का, क्योंकि 1 बजे मैं उठने लगती हूँ तो मेरा रूटीन बन जाता है। देखते हैं कल क्या होता है, अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा ही है ये रूटीन। तो चलिए मैं थोड़ा योगा कर लेती हूँ, बैठी हूँ मैं और आपको मिलती हूँ कुछ देर बाद, ठीक है? देखो, हम शरीर का योगा तो कर लेंगे लेकिन अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए भी एक योगा होना चाहिए और एक तरीका होना चाहिए। सबका अपना अपना स्टाइल है। मेरा स्टाइल है कि मैं सॉन्ग सुनती हूँ तो मेरा मूड फ्रेश हो जाता है। तो जब मूड फ्रेश हो जाता है तो इंसान एक्टिव हो जाता है, एक्टिव हो जाएगा तो हर काम करेगा, जो भी काम करेगा उसमें मन लगेगा। तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया था और मैं थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे सॉन्ग सुन के, देन मैं टहलना स्टार्ट कर दी। और थोड़ा सा योगा करने से पहले अपने आप को तैयार करते हैं तो वही चीज़ें थी। अब मैंने ज़्यादा प्रेशर नहीं किया, पहला दिन था तो इस वजह से हल्का हल्का धीरे धीरे करते करते मैं बढ़ाऊँगी योगा करना जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं पहले भी बहुत ज़्यादा योगा वोगा करती थी ना, शादी से पहले मैं फ़िट रहती थी तो चीज़ें नॉलेज हैं थोड़ा सा। तो मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं किया, थोड़ा टहली वहली और उसके बाद मैंने 15 मिनट मेडिटेशन किया, हल्का योगा किया। और सच बताऊँ ना तो ये कल का वीडियो है, मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला और मैं ना एक्टिव पूरा दिन ना एक्टिव थी सच बताऊँ तो। यहाँ पे धनिया बोया गया था और रात में ना कुत्ता आके बैठ गया था तो मम्मी वही ठीक कर रही थी। और यहाँ पे देखिए मैं मिर्ची का जो पौधा लगाई थी ना, मैं डेली देखने जाती हूँ उसको, मुझे इतनी अच्छी लगती है ना। लेकिन ये मिर्ची तीखी नहीं है, देख के पता चल रहा है। और इसमें थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था, हल्का हल्का आ रहा था मिर्ची, और इसमें तो काफ़ी मिर्चियाँ लगी हुई थी। यहाँ पे बैगन का ये पेड़ लगा हुआ है, इसमें 3-4 बैगन लगे हुए हैं, इधर 2 बैगन लगे हुए हैं, ये देखिए मिर्चियाँ। तो देख के बहुत खुशी मिलती है कि हाँ, मैंने जो पेड़ लगाया ना उसमें फल हो रहे हैं, मतलब कि सब्जियाँ हो रही हैं। तो यही था। और रात में मतलब कि सब लोग थके, मम्मी और बड़ी मम्मी मार्केट चली गई थी और थक गई थी तो दीदी रोटी बना दी थी। तो मेरी मम्मी बोली कि तुम फटाफट सब्जी बनाती हो, अच्छा बनाती हो, तो जाओ बना दो। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं यही 2 बैगन तोड़ के लाई थी। वैसे तो बैगन आया हुआ था लेकिन बड़ी मम्मी बोली कि जाओ, ये छोटा छोटा बैगन है और बीज नहीं पड़े होंगे इसमें ना, जैसे बैगनों में जो बीज पड़ जाते हैं ना तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो बोल रही थी कि नहीं पड़े होंगे, जाओ उसका बनाओ। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं आलू और बैंगन टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी। मैं रात में खाना तो नहीं खाई लेकिन लोग बोल रहे थे कि मतलब सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी। मैंने सोचा मम्मी ऐसे ही बोल रही है मुझे खिलाने के लिए, लेकिन मैंने मॉर्निंग में पूछा, मैंने कहा सब्ज़ी अच्छी बनी थी? बड़ी मम्मी कह रही थी हाँ सब्ज़ी अच्छी बनी थी।
परफेक्ट बना था। और यहाँ कल ना मेरा बड़ा लोचा है यार, मैं सुबह उठ जाती हूँ ना तो फिर मैं देखिए इस तरीके से मैं बच्चों को जगाना, दीदी को जगाना, मतलब मेरे सामने फिर कोई सोया ना रहे, मतलब ये चीज़ें थी मेरी। आज मैं सुबह उठ गई थी तो सबको परेशान करके रख दी थी, और थोड़ा सा गर्म पानी मैंने पिया, उसके बाद कॉफ़ी लिया, देन उसके बाद आप देख रहे हैं कि मम्मी बोली कि सब्जी है तोरी का डाल दोगी, मैंने कहा ठीक है डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैं रेसिपी तो दिखा नहीं रही हूँ, नॉर्मली ऐसे ही बनता है, तो यहाँ पे मैं तोरी की सब्जी डाल दी हूँ। इंडक्शन पर लाइट आ गई थी। निकालो मुझसे पहले बोलो गुड मॉर्निंग मौसी नानी। गुड मॉर्निंग मौसी नानी। गुड मॉर्निंग मौसी नानी। ये शर्मात है, ये देखा मेहंदी पत्ता लिया ले लगा लेना, 100% नेचुरल। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो यहाँ आप देख सकते हैं मुल्तानी मिट्टी मैं ऐसे ही भिगो के रखी हूँ, एक पाव तक मैंने मंगाया था और इसी में भिगो के रखा था, तो आधा ख़त्म हो गया आधा है। मैं डेली ऐसे ही मुल्तानी मिट्टी लगाती हूँ और सबको लगाती हूँ, मतलब अपने भी लगाऊंगी ना, अगर वहाँ पे सब लोग हैं तो मैं सबको लगाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप के लिए ही बस ये करके रखती हूँ, नहीं सबको लगाऊंगी। और ठंडा रहता है इसलिए ना सबकी स्किन के लिए फ़ायदा भी रहता है, तो सब लोग लगवा ले भी लेते हैं। इसमें कोई केमिकल तो है नहीं, आंखों के पास लग जाए कहीं भी लग जाए, तो बाल धुलने वाली थी मैं तो बालों में भी लग गया तो कोई दिक्कत नहीं था मुझे। और पहले के लोग तो मिट्टी से बाल धुलते थे और चेहरे पे तो लगाते ही थे, मैं तो पता नहीं क्यों ये मिट्टी देख के ना अजीब सा मन होने लगता है सच्ची में। और मैंने ना बहुत अपने आप को कंट्रोल कर रखा है सच बताऊँ तो, मैंने पहले मुझे पसंद आता था और कहीं ना कहीं ये मेरे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है, इसलिए मैं इस चीज़ को नहीं दूर रहती हूँ, बस स्किन पे लगाना उसके बाद रख देती हूँ। और यहाँ पे देखिए मम्मी को मैंने लगाया, फिर बड़ी मम्मी को लगाया और दीदी को भी लगाया। कई लोगों ने ना कल बर्थडे को लेके एक दो चीज़ें बोली थी, तो देखो यार छुपाने को तो मैं वो चीज़ें छुपा सकती थी, क्योंकि मेरा झगड़ा हुआ लड़ाई हुआ कुछ भी छुपा सकती थी मैं, सीधे साधे आपको बर्थडे का दिखाती कि हाँ मैं जो बोल देती वो आप मान लेते, लेकिन हकीकत क्या है कि मैं ना बनावटी कोई चीज़ करती नहीं, जो था मैंने वो बताया, आप तभी आपको बोलने का शायद मौका मिल गया। एक दो लोग जो निगेटिव कमेंट किए थे कि सॉरी बोलना, ये बोलना, झगड़ा कैसे कर लेती हूँ, ऐसे कर ले, यार अगर सॉरी बोलने वाली क्या बात है, अगर मेरे दिल में उनके लिए प्यार था तभी तो मैं गई लेके आई, केक कटवाई, सब कुछ की और खुश भी थी। तो यार आप लोग का नज़रिया समझ में आता है कि आप किस टाइप के हो जो निगेटिव कमेंट करते हो, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको सीरियल देखना है तो वो भी बताओ, मैं एक सीरियल चूज़ कर लेती हूँ उसके हिसाब से आपको कहानियाँ सुनाया करूँगी, लेकिन मेरा ओरिजिनल ब्लॉग होता है, ठीक है? तो आप इंटरेस्टेड हैं तो देख सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए साड़ी मुझे रिसीव हुई थी, मैं पहन के दिखा रही थी कि कैसा लग रहा है, तो सब लोग कह रहे थे काफ़ी अच्छा लग रहा है, आने वाले दिनों में ये साड़ियाँ दिखेंगी आपको। बना है तोरी की सब्जी एंड तोरी सब्जी रोटी दोठे दे दा, खाए के सोई बाहर नहीं दावत है। डॉक्टर साहब देखा आल हैं, आज ही टेंशन में हो गई है का। अरे डॉक्टर हैं, डिलीवरी बॉय ना, हाँ कुछ दिखाओ खाओ के। हाँ तो के बीपी है ना पोली का अपन घबराहट होता। अरे हम तो दिखा ली, घबराहट और बीपी। मम्मी हमें सलाद ना चाहिए यार, नैनुआ सब्जी के संगे दो ठे रोटी खाए के ओ में तू खीरा काटा तू यार, धर्राटे काट रहे है ओ पाओ, सिंपल से दो ठे रोटी और भुजिया दे दा बस, कल्याणी और कुछ ना खाई हन दे दा, वो खाए के सुती जाई। 5 बजे का आजी, 5 बजे का जगा ले, 5 बजे का, 5 बजे का पूरा गाँव एक जनवाए दे आज 5 बजे जगा ले। लौंडा किधर, क्या क्या कर रहा है, कहाँ छत्ते पे कहाँ?
ये शाम का टाइम था और शिवाय खेल रहा था। दीदी ना बगल में चली गई थी, दादी सामने चली गई थी और मम्मी बड़ी मम्मी चली गई थी मार्केट में, घर पे अकेले थी। तो शिवाय का आवाज़ सुनी तो मैं गेट के पास आई तो ऐसे देख रही थी, खेल रहे थे सब। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।